असल मेरी मम्मा ना हार्ट पेशेंट है, तो मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत थी। हाँ, तो मैं नौकरी कर दूँगा किसी को। नहीं सर, ऐसा मत करें। नहीं, ये डबिंग है सर। क्या ये? आई डोंट बिलीव इट। डबिंग क्या है? ऐसे जैसे जान छुड़वा सकते हैं। रुक जाओ एक मिनट। ये बेटी नहीं थी किसी की। इस बेटी को तुम छू रहे हो, हक कर रहे हो। आप चाह रहे हैं कि सारा तमाशा यहाँ लगे? यार एक मिनट भाई, दरवाजा खुलवाएं जरा। छोड़िए, आप लोग नहीं जा रहे इस पे FIR? मुझे हैरत है सर। पुलिस अगर घबराएगी थाने से तो सर क्या होगा? ये कलंक का धब्बा है आपको समाज में। असल मसला ही शर्म और हया का है, वो शर्म और हया जो ना तो कोई घटिया और गलत काम करते हुए आती है और ना ही कोई घटिया और गलत काम करते हुए पकड़े जाने पर। हम रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद बेहयाई और ढटाई से झूठ बोलने को फनकारी समझते हैं। हम गैर कानूनी हरकत को बुरा नहीं समझते, बल्कि कानून तोड़कर पकड़े जाने को बुरा मानते हैं। कानून की आंखों में धूल झोंकने वाले को हम भगोड़ा नहीं बल्कि उस्ताद मानते हैं। अपने खिलाफ मौजूद वाज़े सबूतों को झुठलाने वाला हमारे मुआशरे में झूठा नहीं बल्कि चालाक समझा जाता है। हमारे यहाँ धीमे लहजे में बात करने वाला दरोग को जबकि चीखने और चिल्लाने वाला सच्चा तसव्वुर किया जाता है। इस मुआशरे में अपनी गलती को तस्लीम करने वाले को पागल जबकि ऊपर से आने वाले को स्मार्ट कहा जाता है। अखलाकियात, मोरालिटीज और एथिक्स यहाँ फजूल और बेवक़्त अल्फाज के सिवा कुछ भी नहीं। हकीकत पसंदी और प्रैक्टिकलिटी के नाम पर यहाँ झूठ, मक्कारी और चर्ब जबानी के जायज़ होने का लाइसेंस हर शख्स को दे दिया गया है, और ऐसे ही एक लाइसेंस याफ्ता शख्स से आज के सरेआम में आपकी मुलाकात होगी। कराची में कुरंगी के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल का एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो अपनी मातहत खवातीन डॉक्टर्स, नर्सेस और अपने पास आने वाली मरीज खवातीन को जिंसी तौर पर हरासा करने के हवाले से बदनाम था। नहीं सर, ऐसा मत करें। जब टीम सरेआम ने उसे एक लड़की को नौकरी का झांसा देकर बोसो किनार करते हुए वीडियो सबूत के साथ पकड़ा, तो इस 19वें ग्रेड के अफसर ने आखिर तक जिस ढटाई और बेहयाई का मुजाहिरा किया, वो हमारे मुआशरती रवैयों का असल अक्कास है। सबको दिखाएं, एक मिनट ये बताएं। कैसे इसको क्या कहेंगे आप? कहेंगे और क्या कहेंगे? क्या समझते हैं? कोई ऐसी बात थोड़ी है, ऐसी कोई चीज नहीं है। आप उसमें देख ले, मैं इनको बेटा बेटा कह के बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात मैं बेटे वाली बात करते हैं कपड़े नहीं, ये डबिंग है। खुदा का खौफ करो, जवाब देना भी अल्लाह ताला की बारगाह में जाके। हाँ, तो मैं असमत से असमत दरी के केस में आ रहा हूँ ना, आप हर बच्ची के साथ ये करें। सिर्फ यही नहीं, हर महकमे, हर डिपार्टमेंट की तरह अस्पताल के इस एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बचाने के लिए डॉक्टर साहब के पेटी भाइयों यानी बाकी डॉक्टर्स ने पहले तो गली के छटे हुए गुंडों और बदमाशों की तरह आवाजें लगाना शुरू की, ओए फुलां को बुलाओ, फुलां को भी बुलाओ। ये मीडिया वाले क्या हो गया? बुलाओ सबको, सबको बुलाएं। लेकिन जब इन सबको पता चला कि अस्पताल के इस सीनियर 19वें ग्रेड के डॉक्टर और एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट की अंधी हवस के वीडियो सबूत मौजूद हैं, जिसमें ये बड़ा अफसर लेकिन छोटा इंसान अपने पास नौकरी की तलाश में आने वाली लड़की को इस शर्त पर नौकरी की पेशकश कर रहा है कि वो उसकी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करे, तब जाकर ये लोग कुछ धीमे हुए। और सिर्फ यही नहीं, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अपने पास आने वाली कम उम्र लड़की से यह भी कहा कि वो खुद को भी एक इंजेक्शन लगाएगा और लड़की को भी एक इंजेक्शन लगाएगा, जिसके बाद दोनों रिलैक्स होकर सब कुछ करेंगे। जरा देखिए, अपने मुकद्दस पेशे और अपनी ऊंची पोस्ट का इससे बदतर इस्तेमाल भला क्या हो सकता है? मैं जॉब के लिए बुला लूँगा।
आज के प्रोग्राम का इससे भी भयानक पहलू ये है कि इस शख्स की हैवानियत के तमाम तर सबूत होने और उन सबूतों पर जाहिरी तौर पर अफसोस का इजहार करने के बावजूद इनके साथी डॉक्टर्स ने इन साहब की हिमायत आखिर तक नहीं छोड़ी। वो इस शख्स पर किसी मुकदमे के इंदराज या इसे पुलिस स्टेशन ले जाने की मुखालफत करते रहे। आप समझ रहे हैं ब्लैकमेल हो रही है? देखें, आपने सुना है, आपने कुछ देखा इसका? मुझे सर मेरी बात, आप कह रहे हैं मैं ब्लैकमेल किया? मैंने बिल्कुल ब्लैकमेल आप पर इसको देखने की इसकी बात नहीं। कमाल, अच्छा आधी बात करेंगे, आधी बात नहीं करेंगे। आप तसल्ली से सुनिए। सोचिए, ये मुआशरे के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा काबिले एहतराम तबके के लोग थे, जिनकी अना का मसला ये था कि बावजूद इसके कि उनके सीनियर ने एक भयानक और कबीह काम किया है, लेकिन चूंकि वो उनकी बरादरी से ताल्लुक रखता है, लिहाजा उसे थाने ना ले जाया जाए। आप लोग नहीं जा रहे इस पे एफआईआर? मुझे हैरत है, तो फिर किस चीज से रोक रहे हैं आप? कानूनी तरीके से लेके जाके एफआईआर करवाएंगे? मैं कोई हफ्ते भेजा में लेके जा रहा हूँ, मैं कोई अखबार करके लेके जा रहा हूँ? सर आप नहीं जा रहे इस पे एफआईआर? ये सारे चेहरे दुनिया देखेगी आपकी, खुदा का वास्ता है। फिर एक आदमी ने गलत किया, इसको डॉक्टर फर्टेनिटी का इशू ना बनाया, आपकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन जब हम इस शख्स को पुलिस स्टेशन ले जाने पर अड़ गए तो इन सब का इसरार था कि इसे एक मुजरिम की तरह नहीं बल्कि एक इज्जतदार शख्स की तरह किसी प्राइवेट गाड़ी में थाने ले जाया जाए। वो जिसने किसी लड़की की इज्जत को 2% की नौकरी के एवज खरीदना चाहा था। सब लेके जाएंगे डॉक्टर साहब, इसलिए भी क्यों लेके जाएंगे? पुलिस लेके जाएगी, डॉक्टर साहब क्यों लेके जाएंगे? बाकी मुजरिमों को डॉक्टर लेके जाते हैं थाने? की बात नहीं, हम ले आएंगे ना। मुझे कोई रीजन बता दें, आप रीजन बता दें, मोबाइल में मुझे रीजन बता दें कि क्या बाकी मुजरिमों को आप लेके जाते हैं डॉक्टर लेके जाते हैं? पुलिस लेके जाती है ना थाने? इसमें इल्जाम है, मुदैया मौजूद है, हम मौजूद है, हम गवाह बनेंगे। चले थाने, चले चले। सब देखें, पता ये सारा जो कुछ आप कर रहे हैं ना, इससे सब के सब अजीब, आपको अंदाजा है कि ये सारी दुनिया देखे। डॉक्टर्स वाला महाज अपनी जगह, जब हम इस तमाम तर मुखालिफत के बावजूद ख्वातीन कोलीग्स और मरीजों को जिंसी तौर पर हरासा करने वाले इस एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर बजिद रहे, तब पुलिस ने इसके खिलाफ ये कहकर कार्रवाई से इनकार कर दिया कि हम इस ग्रेड के सरकारी अफसर के खिलाफ ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकते। सिर्फ यही नहीं, मकामी SHO शाहिद खान इस डॉक्टर के दिफा में बाकायदा बदतमीजी पर उतर आया। वो तो बाद में पता चला कि एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फर्रुख और SHO आपस में ताल्लुकदार हैं। इसीलिए जब टीम सरेआम की मुसलसल कोशिशों के बाद SHO शाहिद खान को बादिले नाखास्ता मुकदमा दर्ज करना ही पड़ा, तो ऐसी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया कि अगले ही रोज खवातीन डॉक्टर्स और मरीजों का जिंसी इस्तेहसाल करने वाले इस डॉक्टर की जमानत हो गई, जिस पर पहले भी अपनी घर की मुलाजमा के खिलाफ जिंसी ज्यादती का मुकदमा दर्ज था।